हाय डियर्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज चैप्टर 10 हो गए थे हमारे, आज हम चैप्टर 10 करेंगे, 11 करेंगे, जिसमें हम लोग केरी वाले प्लस सीखेंगे। आई होप आपने लास्ट वीडियो में जो 3D वाले प्लस किए थे आपको समझ में आ गए। तो इस वीडियो में हम लोग 2 डिजिट वाले केरी वाले एडिशन करेंगे। तो केरी वाले सबसे पहले मैं समझा देता हूँ केरी क्या होती है। जैसे जब कोई नंबर 1 से लेकर 9 तक आता है तो उसमें कोई केरी नहीं लगती है। जब नंबर 2 डिजिट में हो जाता है, जैसे 10, 11, 12, उसके बाद जो नंबर 100 तक रहते हैं तो वो केरी वाले हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने 5 और 5 को प्लस किया, तो 5 और 5 को जब हम प्लस करेंगे, 5 प्लस 5 कितना आता है, 10 आता है। तो ये 0 हम लोग उस आंसर के नीचे लिखेंगे और ये 1 जो 1 आया है उसकी हम लोग केरी दे देते हैं, मतलब हासिल दे देते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं इसको। फर्स्ट नंबर 38 प्लस 37। अब फर्स्ट नंबर है हमारा 8 है और सेकंड नंबर नीचे प्लस करना है हमको, कितना नंबर प्लस करना है, 7। तो जब हम 8 और 7 को प्लस करेंगे तो फिंगर से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। उसके बाद कितने, 7 प्लस करना, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो आप इसको काउंट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आया, 50। तो जो ये 15 आया है, तो जो ये पीछे वाला नंबर है, जो ये 5 है वो हम यहाँ लिखेंगे और जो आगे का ये 1 है उसकी हम यहाँ पे केरी लगा देंगे। क्लियर, जब हमने 8 और 7 को प्लस किया तो कितना आया, 15 आया, 15 का 5 लिखा, 1 केरी लगा दिया। फिर यहाँ पे 3 है और 2 है, तो 1 2 3, उसके बाद कितना प्लस करना है, 2 प्लस करना है, 1 और 2 कितने हुए, 1 2 3 4 5। 5 के बाद ऊपर देखो केरी लगी हुई है, 5 में 1 और प्लस कर दे कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। क्लियर, जब हम 38 में 27 को प्लस करेंगे तो हमारा जो प्लस आएगा वो आंसर आएगा वो 65 आएगा। ठीक है, अब एक और समझते हैं यहां पे। अब हमको डिजिट दी गई है 49 में 36 को ऐड करना है, प्लस करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे प्लस करना। तो पीछे की डिजिट क्या है हमारी, 9 है और 6 है। तो 9 और 6 को जब हम प्लस करेंगे, कैसे प्लस करेंगे, यहां से फिंगर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 9। उसके बाद कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, इन सब को प्लस किया, 9 और 6 को प्लस किया तो कितना हो रहा है, ये 15 हो रहा है। 15 का मैंने पिछले समय बताया था, 15 का 5 लिखेंगे, 1 के लिए लगा देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट से है हमारा 4 और 3। तो 4 को 1 2 3 4, उसके बाद कितना प्लस करना है, 3, 1 2 3 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में 1 केरी प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। जब हम 49 में 36 को प्लस कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 85। फिर है 72 में 39 को प्लस करना है। तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, सबसे पीछे नंबर क्या है हमारे, 2 है और 9 है, तो 2 और 9 को प्लस कर दो, 2 वास और 2 हो गया। ठीक है, फिर कितना नीचे नंबर कितना है, 9 है, तो 9 को प्लस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वापस काउंट करो कितना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 9 और 2 को जब हमने प्लस किया तो टोटल डिजिट क्या आ रही है हमारी, 11 आ रही है। तो 11 कैसे लिखते हैं, 1 और 1 ऐसे लिखते ना, तो 11 का ये वाला 1 हम यहां लिखेंगे और ये आगे वाले 1 की यहां पर केरी लगा देंगे। फिर 7 और 3 को प्लस करना है, तो जब हम 7